कोरोना संक्रमण के कारण पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। शमशान में लाशों की कतार लगी हुई है। अस्पताल में मरीजों को बेड नहीं मिल रहे। दवाइयों की दुकान पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। अस्पतालों के पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है। सरकारी तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है, तो वहीं सीएम सिटी गोरखपुर का भी यही हाल है। ऑक्सीजन लेने वालों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस महामारी के दौर में लोग अपनों के लिए दर दर की ठोकरें खाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं अस्पतालों को ऑक्सीजन देने वाली मोदी केमिकल के मालिक का कहना है कि प्राइवेट अस्पताल ऑक्सीजन को स्टॉक कर रहे हैं, इसलिए मार्केट में ऑक्सीजन की कमी दिखाई दे रही है। एक्चुअल में हमें लग रहा है कि कुछ लोग जो स्टोर करने के चक्कर में पड़ गए हैं, इसीलिए शॉर्टेज ज़्यादा हो रही है। और नहीं तो अगर पब्लिक पैनिक अगर ना हो, हर आदमी अपने घर पे रखने की व्यवस्था करने के चक्कर में ना पड़े, तो हमें लग रहा है गैस की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन चूंकि हर आदमी सोच रहा है मेरे घर में भी एक सिलेंडर हो जाए, गैस रख लें, जो कि संभव नहीं है, इसी वजह से शॉर्टेज हो रही है। हर आदमी अपने अपने स्टोर करने में लगा हुआ है कि हम स्टोर कर लें। तो वहीं इस मामले पर सीएमओ का कहना है कि प्राइवेट अस्पतालों को जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन दी जा रही है, जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। क्रिटिकल है ऑक्सीजन की, जहां तक की कोई कमी नहीं रही। थोड़ा सा डिअरेंजमेंट हो गया था, जो सप्लाई कर रहे थे तो उनको कोई दिक्कत थी, तो उसके चलते हमने डीएम साहब ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज से 500 सिलेंडर ले रखे थे, बड़े सिलेंडर, जो हम लोगों ने सभी प्राइवेट नर्सिंग होम में अपने जिला 100 बेड टीबी हॉस्पिटल में सप्लाई किया। तो सुचारू रूप से ऑक्सीजन सप्लाई चल रही है आज, तो ऑक्सीजन सप्लाई बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, जिनकी हाँ हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया है। जो अनाप शनाप लोग लेते रहे हैं, नर्सिंग होम वाले हर जगह लोग लेते रहे हैं, तो उनको आवश्यकता अनुसार सप्लाई दी जा रही है, जितनी इनको रिक्वायरमेंट है उनको दिया जा रहा है। सर फेविफ्लू, हाँ फेविफ्लू जो है वो यहाँ पर नहीं है। फेविफ्लू का कोई ऐसा साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि उसको दवाई चलने की, क्योंकि हमारी दवाइयों में जो हमारा प्रोटोकॉल है उसमें फेविफ्लू नहीं है। हमारी दवा में प्रोटोकॉल जो है आइवरमेक्टिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, विटामिन सी है, विटामिन डी है और जिंक है। ये दवाइयाँ हमारे पास प्रचुर मात्रा में हैं, जिनको हम मरीजों को दे रहे हैं। नहीं, रेमडेसिविर हमारे पास है और मार्केट में भी है, लेकिन उतनी भरपूर मात्रा में नहीं है कि सब लोगों को इस्तेमाल को जुडिशियली, इसको तो जुडिशियली इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग अनायास ही लिखते रहते हैं कि ये दवाई दे दी, ये दवाई दे दी, तो उसके भी इंडिकेशन होते हैं, तो हम लोग हालांकि सीएमओ ऑक्सीजन होने का दावा तो कर रही हैं, लेकिन ऑक्सीजन लेने आए कतारों में लगे लोगों की आंखों में आंसू हैं। उनके घरों में मौजूद मरीज को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, फिर भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। इन तस्वीरों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार इस मुश्किल समय से कैसे और किस प्रकार उभरा जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोरखपुर से रुद्र प्रताप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।